यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। यूपी में 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने भी एमएलसी चुनाव में वोट डाला है। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। तो यूपी में 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, ये वोटिंग फिलहाल चल रही है और 36 सीटें कहीं ना कहीं उच्च सदन की ये लड़ाई बेहद अहम नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एमएलसी चुनाव में वोट डाला है। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना भी होगी। ऐसे में विधान परिषद के इस चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उच्च सदन के लिए मतदान ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधान परिषद के चुनाव की। 36 सीटों पर ये चुनाव चल रहे हैं, लखनऊ, बागपत, बाराबंकी, बिजनौर, वाराणसी, सहारनपुर। देखिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो बागपत में वहां पर प्रत्याशी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। तो ये वोटिंग फिलहाल चल रही है। प्रदेश में स्थानीय निकाय कोठी की विधान परिषद की 35 सीटें हैं। इसमें मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का यह वोटिंग चल रही है। और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि उच्च सदन के लिए ये बेहद अहम भी है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। और आइए आपको ये बताते हैं कि विधान परिषद के चुनाव क्यों अहम है और ये विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में जो चल रहे हैं कहां ये कहां कहां वोटिंग हो रही है। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। अभी फिलहाल ये वोटिंग चल रही है। 36 सीटें हैं जहां पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। मुरादाबाद, बिजनौर में मैदान में 2 प्रत्याशी हैं और इसके अलावा अब अलग अलग जगहों की हम आपको बताते हैं। रामपुर, बरेली में भी मैदान में 3 प्रत्याशी हैं। विधान परिषद चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बदायूं में 1 प्रत्याशी मैदान में हैं। पीलीभीत, शाहजहांपुर में 4 प्रत्याशी इस मैदान में। अमूमन ये माना जाता है कि जिसके विधानसभा में सरकार होती है, जो सत्ता में रहता है, वो भी विधान परिषद में काबिज होता है। हरदोई और खीरी में 1-1 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीतापुर में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव में 2 प्रत्याशी इस मैदान में हैं।
विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं। रायबरेली में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये आपको समझना होगा कि विधान परिषद के चुनाव 6 राज्यों में विधान परिषद फिलहाल है। प्रतापगढ़ में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, सुल्तानपुर में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, और इसके अलावा अलग अलग जिलों की हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में 3 प्रत्याशी एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। बहराइच में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है विधान परिषद का। आजमगढ़ मऊ में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये विधान परिषद है। गाजीपुर में इन सब के बीच 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जौनपुर में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधान परिषद की फिलहाल वोटिंग हो रही है। वाराणसी में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और वैसे ही माना जाता है कि विधान परिषद चुनाव में वहां भी होता है जिसकी सत्ता होती है। मिर्जापुर, सोनभद्र में 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रयागराज में 5 प्रत्याशी विधान परिषद के इस चुनाव में मैदान में हैं। बांदा, हमीरपुर में भी 1 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा झांसी, जालौन, ललितपुर में 4 प्रत्याशी विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर, फतेहपुर में भी 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधान परिषद का ये चुनाव, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इटावा, फर्रुखाबाद में 3 प्रत्याशी मैदान में। जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जनादेश हासिल किया, उसके बाद इस पर सबकी निगाहें। आगरा, फिरोजाबाद में 5 प्रत्याशी विधान परिषद चुनाव के मैदान में हैं। मथुरा, एटा, मैनपुरी में 1-1 प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां 1 प्रत्याशी है वहां तो निर्विरोध चुना जाना तय मानिए। अलीगढ़ में 1 प्रत्याशी मैदान में है। बुलंदशहर में भी 1 ही प्रत्याशी मैदान में है। ये वो जिले, ये वो जगह जहां पर वोटिंग फिलहाल हो रही है, लेकिन 1 प्रत्याशी है तो जाहिर सी बात है निर्विरोध चुना जाना है। मेरठ, गाजियाबाद में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में 5 प्रत्याशी विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडा में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि विधान परिषद में 134 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना भी ज़रूरी है। फैजाबाद में 3 प्रत्याशी इस मैदान में हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर में 3 प्रत्याशी मैदान में। ये अलग अलग जगह जहां फिलहाल वोटिंग चल रही है, वो जिले जहां पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 36 सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पर ये वोटिंग हो रही है। देवरिया में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। बलिया में 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 6 वो राज्य जहां पर विधान परिषद है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, जहां फिलहाल वोटिंग चल रही है। 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के एमएलसी बनना तय है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कोई और मैदान में नहीं है। और इसके अलावा विधान परिषद की ये जो वोटिंग चल रही है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।